हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज एंड क्यूज में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर लेटेस्ट स्टाफ नर्स वैकेंसी यहाँ लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट स्टाफ नर्स वैकेंसी होने वाली है। वैकेंसी दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो पूरी वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर ले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि आपके लिए 28 पोस्ट होने वाली है। पोस्ट जो है दोस्तों बिल्कुल परमानेंट होने वाली है। और वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है? वैकेंसी जो है दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ITI लिमिटेड कंपनी से निकाली गई है, जो कि बेंगलुरु प्लांट से है वैकेंसी। दोस्तों आपके लिए वैकेंसी बिल्कुल परमानेंट होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों यहाँ क्वालिफ़िकेशन आपके लिए मांगा गया है SSLC मांगा गया है, यानी 10+12 हो, उसके बाद आपका डिप्लोमा किया गया हो जो कि 3.5 ईयर्स का 3.5 ईयर्स का जो है वो डिप्लोमा कंप्लीट हो। BSc नर्सिंग आपका यहाँ मांगा गया है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस यदि आपका OT OBG ICU इस प्रिफेरेबल हॉस्पिटल सर्विसेज हो, यानी आपका यदि एक्सपीरियंस है तो प्रिफेरेबल रहने वाले हो। इन पेशेंट्स आउट पेशेंट एंड ट्रीटमेंट ETC में जो है आपका वर्क किया हुआ हो। टू वर्क इन ऑल 3 शिफ्ट्स आपका जो है काम जो है वो तीनों शिफ्ट में रहने वाला है। यहाँ आगे पोस्ट होने वाली एक्सरे टेक्नीशियन की, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एंड जूनियर फार्मासिस्ट कैटेगरी। आगे दोस्तों हम बात करेंगे नर्स के लिए, यहाँ पर पूरी बात करने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ हमारा जो नर्स की पोस्ट है वो कैटेगरी ई में आने वाली है, और सैलरी आपके हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हैं, सैलरी जो है 4240 आपकी ग्रेड पे रहने वाली है। यानी जो आपकी दोस्तों टोटल सैलरी है वो अप्रोक्स 70,000 के अबो रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ आपकी सैलरी अच्छी खासी है, और यहाँ एज लिमिट जो है नर्स के लिए मांगी गई है, 30 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 5 ईयर्स ऑफ SC ST NPWD EWS के लिए 5 ईयर्स का यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 3 ईयर्स ऑफ OBC नॉन क्रीमी लेयर्स एंड एक्स सर्विसमैन पर्सनल एंड अकॉर्डेंस विद द गर्ल गाइडलाइंस। तो दोस्तों यहाँ एक्स सर्विसमैन के लिए भी पोस्ट दी गई है और एज रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों यहाँ आपका PF वगैरह सब कटने वाला है, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, कैंटीन फैसिलिटी आपको मिलेगी, कन्वीनियंस एज पर द कंपनी रूल्स यहाँ आपको मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ 20 दिन में दोस्तों आपको 20 लीव अनले मिलने वाली है, 12 डेज कैजुअल लीव एंड 5 डेज सिक लीव आपको यहाँ मिलने वाली है। जनरल कंडीशंस में यहाँ लिखा गया है ST SC वगैरह कैंडिडेट सर्विस में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन विल बी इनसफिशियंट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन विल बी रिजेक्टेड। अब आपको दोस्तों इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट जो है दोस्तों 22/7/2021 दी गई है, और 24/7/2021 इसकी जो है हार्ड कॉपी आपको जमा करानी होगी। जी हाँ दोस्तों, हार्ड कॉपी आपको जमा करानी होगी, जिसकी लास्ट डेट 24/7/2021 होने वाली है। हार्ड कॉपी आपको किस एड्रेस पर सेंड करनी है वो एड्रेस यहाँ दिया गया है। एडिशनल जनरल मैनेजर HR ITI लिमिटेड बंगलोर प्लांट दुर्वानी नगर बेंगलुरु। तो दोस्तों यह एड्रेस है जिस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपकी सब होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स, इन प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ साथ में मांगे गए हैं।
दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।